इस बात करने वाले इस वीडियो में सीआईडी शो के बारे में। जी हाँ, दया, अभिजीत और एसीपी प्रद्युमन, इन तीनों की जो बॉन्डिंग रही है शो के अंदर भैया, वाकई में कमाल की रही है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस जोड़ी को, लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं शो को। अगर बात करी जाए तो शो की जो ये टाइम जर्नी की बात करें तो वाकई में इतना लंबे टाइम तक कोई भी शो अभी तक देखने को नहीं मिला है। 20 साल तक इस शो ने लगातार टीवी पर्दे पर राज किया है। जी हाँ, 20 साल तक। 1998 में शो का फर्स्ट एपिसोड देखने को मिला था, 2018 में शो का लास्ट एपिसोड देखने को मिला। मीन्स 20 साल तक शो ने ये राज किया है टीवी पर्दे पर, और यहाँ पर वही स्टार कास्ट देखने को मिली आपको, तो ये बहुत ज़्यादा एक अपने आप में अलग ही बात हो जाती है। फैंस के साथ में ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। अगर देखा जाए तो इन तीनों की अगर बात करें, एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया, इन तीनों की, बाकी तो चेहरे बदलते रहे, आते रहे, जाते रहे, वो सब तो चलता रहा, लेकिन बात करी जाए इन तीनों की तो ये तीनों 20 साल तक लगातार काम करते रहे शो के अंदर। सीज़न 2 की डिमांड इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा हाई है। हालाँकि बच्चे बूढ़े हर एक एज के लोग इस शो को देख रहे थे, हर एक एज के लोग इस शो को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो यही वजह सीज़न 2 में लोग इसी जोड़ी को देखना चाहते हैं एक बार फिर से। और ये इसी शो ने स्टार्टिंग करी थी, इसी शो के जो सक्सेस के बाद ही बहुत सारे शो आपको ऐसे देखने को मिले जो कि क्राइम पर बेस्ड रहे हैं। क्राइम पेट्रोल शो की बात करें, क्राइम दस्तक शो की बात करें, या फिर सावधान इंडिया की बात करें, ऐसे बहुत सारे शो रहे हैं शो के बाद से रिलीज़ होना शुरू हुए हैं। लेकिन ये शो की बात करें तो ये सीज़न 2 को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फैंस के बीच में। लोग देखना चाहते हैं एक बार फिर से इस जोड़ी को। अब देखना ये है कि मेकर्स क्या प्लानिंग करने वाले हैं। फायरवर्क्स प्रोडक्शन हाउस का ये शो रहा है, और कब ये प्रोडक्शन हाउस, कब मेकर्स ये सोच कर ये शो को सीज़न 2 लेकर आएंगे, ये तो उन पर डिपेंड करता है। पर हाँ, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। डिमांड हाई की वजह से ही ये उम्मीद करी जा सकती है शो का सीज़न 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है, और अगर सीज़न 2 आता है तो क्या यहाँ पर एक बार फिर से वही स्टारकास्ट नज़र आना चाहेगी, या फिर यहाँ पर चेहरे बदल जाएंगे। जो भी होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ऑडियंस सीज़न 1 की डिमांड करेगी कि वही स्टारकास्ट होनी चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।